ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲ ਸਪਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪੇ ਅੱਛਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀਏ 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਰੇ ਕੋ ਅਭੀ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਮੇ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ ਤੋ ਜੀ 99% ਤੋ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ 1-2% ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਉਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਮਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਗੁੰਜਾਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਡੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਸਰੋਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੱਕਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਲੋ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਸੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਟਿੱਡੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ तो वैसे ही हम गुमजाल पन्नीवाड़ा कलरकेड़ा से जैसे ही सूचना मिली तो यह हम यहाँ आए और शाम को हमने जहाँ जहाँ टिड्डी सेटल हुई है तो वहाँ वहाँ लोकेट किए तो टिड्डी दल का है ऐसा कि शाम को वो पेड़ों पे सेटल होती है तो जैसे जैसे शाम को सेटल होती गई हमने लोकेट किए तो और सुबह हमने कल सुबह 6 बजे ही ऑपरेशन स्टार्ट किया तो हमारे पास UPL के स्पॉन्सर किए हुए 4 जो है स्प्रेयर हैं और इसके अलावा किसान भाइयों का पूरा सहयोग रहा और लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर जगदीश जी भी आए इनका पूरा सहयोग रहा और हमने ऑपरेशन जो है पूरा सक्सेसफुली इसको टिड्डी दल को ख़त्म कर दिया कल का जो अटैक है वो गुमजाल पन्नीवाला और कलरखेड़ा गाँव में फाजिलका ज़िले के इनमें ज़्यादा रहा और टिड्डी दल को हमने पूरा लगभग कंट्रोल कर दिया आज आप देख रहे हैं जैसा कि आज कल हमारी जो राजस्थान ये जो पंजाब गवर्नमेंट की जो टीम थी उन्हें सूचना मिली फार्मर से कि यहाँ पर गुमजाल गांव में जो कि खोइया सर्वर ब्लॉक के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में ये राजस्थान से बिल्कुल लगा हुआ गाँव है यहाँ कल हमारी टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ दरख्तों के ऊपर बहुत सारी टिड्डी बैठी हुई है उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए अपनी पूरी टीम के साथ यहां आके और पूरे एरिया को सर्वे किया जहां पर ये कुछ दरख्तों पर टिड्डी तकरीबन 600-700 टिड्डी एक दरख्त पर बैठी पाई गई 6-7 हज़ार और उसके उसको मारने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें कि स्टेट डिपार्टमेंट के साथ में प्राइवेट कंपनी UPL के इंस्ट्रूमेंट केमिकल वगैरह से सहयोग लेते हुए उसको मारा गया और उसका रिजल्ट ये है कि आज पूरे एरिया में कहीं भी कोई टिड्डी किसी भी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है अभी भी हम लोग इसमें ध्यान रखे हुए हैं कि हमारी पूरी टीम जिम्मेदारों से ये संपर्क में है कि वो
खोजते रहें, कहीं भी अगर टिड्डी दिखाई पड़ती है उसकी तुरंत सूचना दें ताकि उसको इमीडिएट किसी भी और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए इमीडिएट उसको खत्म किया जा सके। तुरंत हम लोगों ने एकदम टीम बनाकर इधर एरिया में रस किया और कल ही हम लोग वापस गए थे जलंधर, लेकिन हमारे एडवाइजर साहब का कल ही तुरंत फोन आया कि तुरंत इमीडिएटली गो टू द साइट कि वहाँ से क्या नाम और गाड़ियाँ वगैरह सूरतगढ़ वगैरह से आ रही हैं और वहाँ पर जाकर तुरंत ही वहाँ पर थोड़ा उसको देखो और जैसा भी हो तुरंत एक्शन उसको लो। तो इसके संबंध में हमारी डायरेक्टर निदेशक साहब से अभी कुछ ही समय पहले मीटिंग हुई थी मोहाली में, जिसमें यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, डायरेक्टर रिसर्च थे और हम लोगों को बुलाया गया था। तो बड़ा हाई लेवल की वहाँ मीटिंग होने के बाद में ये था कि किसी तरीके से जल्दी इसको अलर्ट पे स्टेट को लिया जाए और हमारे विभाग का जो अचीवमेंट है और स्टेट डिपार्टमेंट का अचीवमेंट जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भी संभावनाएं होती हैं उस पर एक्शन होता है, लेकिन इतनी समस्या ज्यादा होती यहाँ पर राजस्थान में जो हमारी कंट्रोल हम लोग करते रहे, सक्सेस होते रहे, लेकिन क्योंकि उधर हमारे बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान की तरफ से कोई उस तरीके से इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा जैसा कि हमारा अपना देश काम कर रहा है। तो उस तरीके से, और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारे पूरे कम से कम 9 महीने से हमारा ऑपरेशन चल रहा है राजस्थान में, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहाँ का हमें यदि काम ना किया जाता। हमारे यहाँ पे टिड्डियाँ तकरीबन 26 की शाम को आई थी थोड़ी क्वांटिटी में, उसके बाद में 27 को बढ़ती गई, डिपार्टमेंट 26 को शाम को पहुँचा हमारे पास और 27 में हमने रेमेडी चालू कर दी अर्ली इन द मॉर्निंग। सारे पेड़ों पे, खेतों में चारों तरफ हमने इसको नियंत्रण करने की कोशिश की, उनके सहयोग से, काफ़ी अच्छा सहयोग था। उसके बाद में आज तीसरा दिन है, आज बरसात से कुछ भी कम है और अभी बरसात में भी हम साथ में लगे हुए हैं, सारा प्रशासन हमारे पास में खड़ा है, सारे इम्प्लीमेंट्स हैं हमारे पास, तो अब ये कुछ नियंत्रण में है, चाहे वो बारिश है और महकमे के सहयोग की वजह से। क्या मानते हैं आप, कितना नुकसान हुआ टिड्डियों की वजह से? नुकसान सरसों की फसल में काफ़ी है और बागों में थोड़ा कम है, सरसों और गेहूँ में काफ़ी नुकसान है।